चाइना आजकल एक नए तरीके की ग्रेट ग्रीन वॉल फिर से बनाने आ रहा है, एक नए तरह का गोबी डेजर्ट में होने वाला है। दोस्तों चाइना की गवर्नमेंट अपने बंजर रेगिस्तानों को एकदम ग्रीन फॉरेस्ट में ट्रांसफॉर्म करने के लिए नए नए सोल्यूशन को ढूंढ रही है। इस प्रोग्राम को ऑफिशियली 3 North Shelter फॉरेस्ट प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। फिर जैसा कि मैंने बताया, ग्रेट ग्रीन वॉल अगेन इस नाम से तो ये फेमस है ही। जब हम डेजर्ट के बारे में सोचते हैं तो हम लोग एक इंडलेस गर्म और बंजर जमीन के बारे में सोचते हैं, क्योंकि पीली मिट्टी से भरी होगी, यहाँ पे लाइफ और प्लांट्स को सर्वाइव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। और इस तरीके का एक्सट्रीम एनवायरनमेंट वहाँ के लोगों को हार्श लिविंग कंडीशन में रहने के लिए मजबूर कर देता है। लोग रहते रहते इन चीज़ों के आदि हो जाते हैं। लेकिन डालत बामर डेजर्ट में, जो कि इनर मंगोलिया और चाइना में है, वहाँ पे एक इनक्रेडिबल ट्रांसफॉर्मेशन जगह ले चुकी है। वहाँ पे चाइनीज गवर्नमेंट ने लगभग 12 लाख खरगोशों को बसा दिया है, जो कि खाली सक्सेसफुल ही नहीं हुए हैं और डेजर्टिफिकेशन को रोक कर बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी वहाँ पे लगा दी है। और ये वहाँ के लोकल लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा सुखदाई है, उनकी लाइफ को प्रॉस्परस कर रहा है और रोजगार दे रहा है खाली कुछ ही सालों में। और ये एक सैंडी लैंड पूरी तरीके से लाइफ के लिए ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, एक बहुत बड़ी ग्रीनरी दिखा रही है। चाइना इन सभी मामलों में कभी उन सारी कंट्रीज की लिस्ट में आता जहाँ पे सीवियर डेजर्टिफिकेशन बुरी तरीके से बढ़ रहा था, क्योंकि कई सालों तक बढ़ता गया। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल डेजर्टिफिकेशन डेटा, चाइना का डेजर्टिफाइड लैंड एरिया 1990 में 1.714 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ था, क्योंकि हर साल 10,400 स्क्वायर किलोमीटर के स्पीड से बढ़ता जा रहा था। और 21st सेंचुरी में आते आते डेजर्टिफाइड लैंड एरिया 2.62 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक बढ़ गया, यानी लगभग 25% चाइना एक बंजर रेगिस्तान में बदल चुका था। और इन सारी समस्याओं से बचने के लिए, डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए, चाइनीज गवर्नमेंट ने सीरीज ऑफ एक्शंस एंड प्लान्स को धीरे धीरे लाना शुरू कर दिया, क्योंकि डेजर्टिफिकेशन को कंट्रोल करे और कम से कम बची हुई जमीनों को प्रिवेंट कर पाए। इसके पहले भी ये प्रोग्राम हो चुका है। 1978 में ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव एक एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट के रूप में कंसीव किया गया था। इसकी वजह से चाइना को पुराना एक्सपीरियंस भी है। इस इनिशिएटिव में 88 मिलियन एकर्स ऑफ लैंड में बहुत सारे पेड़ लगाने थे। और फिर धीरे धीरे एक्शन लेते लेते चाइना को समझ में आया कि यहीं के लोकल लोगों का कलेक्टिव एफर्ट इसमें अगर जोड़ा जाएगा तो धीरे धीरे अपने आप काम होता जाएगा। चाइनीज गवर्नमेंट ने वहीं के किसानों को पकड़ा और उन्हीं से वहां पे खेती कराना शुरू की, क्योंकि आगे चल के 1979 में 12 मार्च को हर साल एक नेशन वाइड ग्रीन मूवमेंट के रूप मनाया जाता है। और कम से कम इस दिन बहुत सारे लोग आते हैं, उस दिन वहाँ पे बहुत सारे ट्रीज लगाते हैं। ये मूवमेंट भी गोबी डेजर्ट के एक्सपेंशन को रोकने के लिए भी 2003 अपने प्रोजेक्ट को करने के लिए उन्होंने 2 पार्ट्स में शुरुआत की थी। पहले पार्ट में जहाँ पे उन्हें ऐसी जगह पे सीड्स को फैलाना था जो बहुत ही ज्यादा सूखी ना हो, और दूसरा पार्ट था जहाँ पे किसानों को ऐसे काम करने के लिए पैसे देने थे। ये किसानों के लिए एक रोजगार की भी तरह हो गया, और उन्होंने चाइना में बढ़ती समस्या को भी रोक दिया था, जिसकी वजह से चाइना ने $1.2 बिलियन का सेटअप लगाया था। तो सारी चीजें वहाँ पे देख सकता था, मैप बना सकता था और डेटाबेस कलेक्ट कर सकता था। यहाँ के इस ग्रेट ग्रीन वॉल में ऐसे स्पेशल प्लांट्स को लगाया गया है जो कि इस लेवल के ड्राई सैंड्स को हैंडल कर सके। यूकेलिप्टस उसमें से एक उदाहरण आप मान सकते हैं। ट्रीज को ऐसे स्टीडी पैटर्न में सीरी बनाकर वॉल के हिसाब से लगाया गया है। इस तरीके से पेड़ लगाने से ये मदद करेंगे हवाओं को रोकने के लिए, जो रेतीली हवाएं ऐसे डेजर्ट्स में उड़ती हैं। तो चाइना ने एक ग्रीन रेवोल्यूशन शुरुआत कर दी एक फॉरेस्टेशन कैंपेन के लिए, क्योंकि लगभग कवर कर सकता है 64 मिलियन हेक्टेयर्स। इस तरीके के प्रयास ने केवल फॉरेस्ट को ही नहीं इम्प्रूव किया बल्कि पूरे इकोसिस्टम को रिवाइटलाइज कर दिया। चाइना का मानना था कि वो 2050 तक 100 बिलियन ट्री इन पूरे डेजर्ट में लगा देंगे, क्योंकि लगभग 66 बिलियन ट्री ऑलरेडी लग चुके हैं। अगर इन ट्रीज की गिनती की जाए तो लगभग आइसलैंड ऐसे देश के बराबर का लैंड एरिया एक्वायर कर सकता है। यहाँ पे बहुत सारी साइंटिफिक टेक्निक्स का यूज किया गया है, जैसे कि प्लांट सेलुलोज, जिसे उन्होंने एक ऐसा पेस्ट बनाया क्योंकि डेजर्ट सैंड को ट्रांसफॉर्म करने में केपेबल था एक फर्टाइल ग्राउंड में। ये एक्सपेरिमेंट उलन ब्रू डेजर्ट में किया गया था, इसमें 1.6 हेक्टेयर ऑफ बैरन वेस्ट लैंड को कल्टीवेबल लैंड में बदल दिया था। और ड्रिप इरीगेशन, सैंड बैरियर, नैनोक्लेज से बहुत सारी टेक्निक्स का यूज किया गया था, क्योंकि वहाँ के ड्रास्टिक कंडीशन को बदल चुकी हैं। हालांकि बहुत सारी जगह पे ये काम नहीं करता है, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के ऐसे एक्सट्रीम टाइम में जरूरत है। और साथ ही साथ चाइनीज एंटरप्रेन्योर्स ने सबसे पहले कुछ ऐसे एनिमल स्पीसीज को ढूंढने के चक्कर में, वो सब थे जो डेजर्ट कंट्रोल करने में तो मदद करे ही, साथ ही साथ इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल हो। और इसकी वजह से वो फाइनली कुछ खरगोशों से संतुष्ट हुए जो कि फ्रांस से आए थे। उनका नाम रेक्स हेयर था। शुरुआत में रैबिटों के ऊपर कुछ साइंटिस्ट स्केप्टिकल थे कि पता नहीं ये रैबिट्स काम कर पाएंगे या नहीं,
एक्सट्रीम डेजर्ट में ब्रिटिश रैबिटो ने केवल डेजर्ट ग्रीनिंग में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन के साथ साथ जिसमें वो अपने नेचुरल हैबिट्स से और हाई रिप्रोडक्टिव रेट्स से अपनी आबादी को बहुत ही ज़्यादा बढ़ाया है और इकोनॉमिक ग्रोथ को भी बढ़ाया है। एक्स हेयर रैबिट्स इसका रिप्रोडक्शन रेट एक साल में 40 बेबीज का है क्योंकि सूखी और रेतीली जमीनों को पसंद करते हैं। ये खुदाई करने में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं क्योंकि पौधों को जड़ों को खाने के चक्कर में ढूंढते रहते हैं क्योंकि खुदाई करने की एक्सकवेशन करने की टेक्निक खेतों में शॉर्ट टर्म में जुताई का काम कर देती है जिसकी वजह से जो सॉइल होती है वो सॉफ्ट हो जाती है और उन जड़ों को खा खा करके जो वेस्ट उनकी बॉडी से निकलता है वही मिट्टी को हाईली न्यूट्रिशियस बनाती है और सारी चीज़ें डेजर्ट प्लांट्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हैं। एक्स हेयर की ब्रीडिंग चाइना में उन साइंटिस्टों की काफ़ी वाइजेस्ट टेक्निक में से एक थी। एक्स हेयर ने अमेजिंग रिजल्ट को दिखाने के साथ साथ एनवायरनमेंट में काफ़ी अडेप्टेबल भी हो गए थे और उनका रिप्रोडक्टिव रेट भी कन्वेंशनल रैबिट से 15 गुना ज़्यादा था जिसकी वजह से फ्रांस से कुछ ही बेबीज को इम्पोर्ट करने के बाद 10-12 सालों में इनकी संख्या मिलियंस में पहुंच गई है और एक्स हेयर रैबिट की संख्या आज 12 लाख हो गई है क्योंकि बहुत ही तेज़ी से डेजर्ट को ग्रीन कर रही है। नेक्स्ट प्रोग्राम स्पंज सिटी और वेटलैंड सिटीज। पूरी कंट्री में स्पंज सिटी का पायलट प्रोग्राम 30 सिटी से ज़्यादा सिटीज़ में लॉन्च किया था। इसमें प्रोग्राम का गोल था पूरी कंट्री में स्पंज सिटी का कंस्ट्रक्शन करना। अगर आप स्पंज सिटी से अवेयर नहीं हैं तो स्पंज सिटी एक तरह का नेचुरल इन्फॉरेस्टेशन की तरह होता है जहाँ पे हम नेचुरली ही जगह जहाँ पे फॉरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह के नेचुरल इन्फॉरेस्टेशन में वेटलैंड्स आते हैं जहाँ पे तालाब के किनारे बहुत सारे फॉरेस्ट पेड़ फूल पत्तियाँ यही पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम बैठाने की कोशिश की जाती है और ये आजकल पूरी दुनिया में ट्रेंड बनता जा रहा है। दुनिया के बहुत सारे विकसित देश अपने अपने देशों में क्लाइमेट चेंज से फाइट करने के लिए बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन करने की कोशिश कर रहे हैं। स्पंज सिटी के मामले में आप एग्जांपल ले सकते हैं थाईलैंड और जर्मनी का भी। इन्होंने भी चाइना की तरह बहुत सारे स्पंज सिटी बनाए हैं। क्लाइमेट चेंज ओवरऑल पूरी की पूरी बायोडाइवर्सिटी को ही खत्म कर देता है। मतलब हम डायरेक्ट रिलेट करते हैं पेड़ों को क्लाइमेट चेंज से, लेकिन अब देखो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से पूरी की पूरी इकोलॉजी ही खत्म हो रही है। पिछले 200 सालों में 40% से भी ज़्यादा स्पीसीज पूरी की पूरी तरह विलुप्त हो चुकी हैं। यानी हमें लगता है कि इससे सिर्फ पेड़ ही इफेक्ट होते होंगे, लेकिन ये देखने का बहुत ही छोटा पर्सपेक्टिव है। और इस तरीके के स्पंजस अगर सिटीज़ में या फिर छोटे से छोटे एरिया में यहाँ पे हम ग्रीनरी को प्रमोट कर सकें तो हमें उसका सहारा लेना चाहिए। वी नीड हेल्दी ट्रीज जिसमें बहुत सारे नेटिव प्लांट्स पॉलिनेटर्स और पूरा इकोसिस्टम उसमें भरा हुआ हो। और ये सारी चीज़ों को करने का सिर्फ एक ही तरीका है, एक स्पंज सिटीज़ को बनाना। स्पंज सिटी एक इस तरह की इन्वायरमेंट होती है जो सिटी में आने वाले एक्सेस वाटर को भी सोख लेती हैं और वेटलैंड जैसे एरियाज इन्वायरमेंट से डबल अमाउंट ऑफ CO2 को सक कर सकते हैं। हमने बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज में या फिर रिसर्च पेपर्स में पढ़ा होगा कि जितने भी वेटलैंड्स के आसपास के ट्रीज होते हैं वो ग्रेटेस्ट कार्बन सकर होते हैं। नॉर्मल ट्री से डबल अमाउंट ऑफ कार्बन वो सक कर सकते हैं। ये सिटीज को एक नए तरीके के डेवलपमेंट में धीरे धीरे लेकर जा रही है जहाँ पे हम इकोलॉजी नेचर और डेवलपमेंट दोनों को एक साथ लेकर एक हेल्दी एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन स्पंज सिटी के बेनिफिट्स के अलावा कुछ निराशाएं भी हैं, ये सब कुछ फिक्स नहीं कर सकती हैं। फ्लडिंग के टाइम एक बार चाइना में इन्हीं एक सिटी में फ्लडिंग हुई थी जिसको स्पंजस रोक नहीं पाए थे और वाटर सिटी को तबाह कर दिया था। इसका मतलब ये है कि स्पंज सिटी केवल एक्सेस वाटर को ही अब्सॉर्ब कर सकती है, लेकिन सिर्फ एक लिमिट तक। अगर कोई भी चीज लिमिट से ज्यादा आगे बढ़ेगी तो स्पंज सिटी भी उसका कुछ नहीं कर सकती। लोगों को इस तरीके से सोचना चाहिए, कुछ चीजें कभी काम करती हैं, कुछ चीजें काम नहीं करती हैं। लेकिन इस तरीके के प्लान्स अभी के हमारे वर्ल्ड में एक्सट्रीमली नेसेसरी हैं। तो जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं एक विद्यार्थी हूं, अपनी पढ़ाई को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए वीडियो रिसर्च और वीडियो क्रिएशन का भी काम करना चाहता हूं। मेरे पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है। अगर आप चाहें तो ज्वाइन बटन और थैंक बटन दबा कर चैनल को भी सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको इस तरीके की वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा या फिर किसी भी तरीके का सजेशन दीजिए। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।